साथियों, ये संघर्ष के समय में यदि आप अपने आप को मजबूत नहीं करेंगे तो आपके जो विपक्ष में है वो देखिए काउंटर आंदोलन की तैयारी कर चुके हैं, और ऐसे में आप अपने घरों में चादर तान तक सोए हुए रहेंगे इस गर्मी के मौसम में भी, तो समझ लीजिए कि आप अपने पैरों पे खुद से कुल्हाड़ी मार रहे हैं। हम उन सभी मैरिट अभ्यर्थी के साथ महिला अभ्यर्थियों से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी का आना हमारे आंदोलन को मजबूती प्रदान करेगी। मेरे साथियों, मैं आपसे निवेदन यही कर रहा हूं कि जितने भी लोग हैं जिनका कोचिंग क्लास इंस्टीट्यूट हैं या जो स्कूल पढ़ाते हो, गर्मी की छुट्टी की मौसम चल रही है, सीजन है, इस सीजन में आप सभी लोग अपने क्लासेज को दो दिन चार दिन के लिए थोड़ा सा स्टॉप कीजिए, क्लोज कीजिए, और आप सभी लोग आने का प्रयास करें। साथियों नमस्कार, मैं अर्जुन कुमार, एसटीटी 19 मेरिट अभ्यर्थी। जैसा कि आप सभी को पता है कि 6 जून से मेरिट अभ्यर्थियों का आमरण अनशन आयोजित है। इस मौके पे आप तमाम 38 जिलों के सभी एसटीटी 19 मेरिट अभ्यर्थी के साथ नेट मेरिट के वैसे हमारे साथी जो कुछ मार्क्स से छूट रहे हैं वे सभी लोगों का हमारे इस आंदोलन में स्वागत है। साथियों, ये संघर्ष के समय में यदि आप अपने आप को मजबूत नहीं करेंगे तो आपके जो विपक्ष में है वो देखिए काउंटर आंदोलन की तैयारी कर चुके हैं, और ऐसे में आप अपने घरों में चादर तान तक सोए हुए रहेंगे इस गर्मी के मौसम में भी, तो समझ लीजिए कि आप अपने पैरों पे खुद से कुल्हाड़ी मार रहे हैं। मेरे साथियों, मैं आपसे निवेदन यही कर रहा हूं कि जितने भी लोग हैं जिनका कोचिंग क्लास इंस्टीट्यूट हैं या जो स्कूल पढ़ाते हो, गर्मी की छुट्टी की मौसम चल रही है, सीजन है, इस सीजन में आप सभी लोग अपने क्लासेज को दो दिन चार दिन के लिए थोड़ा सा स्टॉप कीजिए, क्लोज कीजिए, और आप सभी लोग आने का प्रयास करें, क्योंकि आपकी मजबूती ही हम सभी मेरिट अभ्यर्थियों को, साथ ही साथ जितने भी मेरिट में कुछ अंकों से छूटे हुए अभ्यर्थी हैं उन सभी को सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगा। इसलिए हम उन सभी मेरिट अभ्यर्थी के साथ महिला अभ्यर्थियों से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी का आना हमारे आंदोलन को मजबूती प्रदान करेगी। महिलाओं को इस आंदोलन में चढ़ बढ़ के हिस्सा लेने की ज़रूरत है, क्योंकि सरकारें जो इस प्रकार से अनसुनी हम लोगों को कर रही है, नोटिफिकेशन कब आए। मैं साथियों फिर कह रहा हूँ कि यह आंदोलन इस वजह से हो रही है, इसका कारण यह है, इस आंदोलन की रूपरेखा यह है कि नोटिफिकेशन कितनी जल्दी से जल्दी आ जाए। साथ ही साथ इसका यह रूपरेखा तैयार है, आंदोलन का मांग पत्र हम लोगों के हैं कि मेरिट में 30,675 की नियुक्ति सुनिश्चित करें, एसटीटी अंक के आधार पर बहाली की प्रक्रिया को स्टार्ट किया जाए, जिससे नॉट इन मेरिट में आए हमारे जो साथी हैं जो कुछ अंकों से छूट गए हैं उनकी भी भला हो, 2022 तक के जो रिक्त पदे हैं उन सारे रिक्त पदों को जोड़ा जाए, और जोड़ते हुए नोटिफिकेशन को रिलीज करे सरकार जितनी जल्द से जल्द हो सके, क्योंकि इस एग्जाम के लिए हम लोगों ने ऐसे देखा जाए तो 3 साल लगभग हम लोगों ने दे दिया, ये चौथे साल हम लोगों को चल रहा है। तो जरा सोच कर देखा जाए, एक अभ्यर्थी एक एग्जाम के सिलेक्शन के लिए, एक जॉब की सिलेक्शन के लिए 4 साल अगर अपने जिंदगी के बेहतरीन समय को दे सकता है तो संघर्ष के दिनों में अपने आप को पीछे कैसे रखेगा। इसलिए मेरे साथियों, वैसे लोग जो हम लोगों के विपक्ष में हैं, जो चाहते हैं कि अंकों के आधार पर बहाली ना हो, एकेडमिक मार्क्स के आधार पर बहाली हो, जो कि कोई मेरिट का पैमाना नहीं है एकेडमिक मार्क्स, तो वैसे लोग जो चाहते हैं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था गर्त में जाए, बिहार की शिक्षा व्यवस्था अग्रणी ना हो, तो ऐसे लोगों की मनसा को पानी फेरने के लिए, साथ ही अपनी सफलता के लिए हम लोगों को 30,675 को एकत्रित होते हुए इस आंदोलन में मजबूती से अपनी भूमिका को अदा करना है, और आप सभी को 6 जून के आंदोलन में जरूर आना होगा। आपका उपस्थिति हम सभी के मार्ग को प्रशस्त करेगा। इसलिए मेरिट के साथियों, आपसे हमारा निवेदन है कि आप जितना जल्द हो सके अपने आप के कमर को कस लें, नून तेल सत्वम ऊंचाई जो भी है वो सबको बांधते हुए गर्दनी बाग से अपनी हुंकार को सरकार के खिलाफ एक बार मजबूती के साथ रखेंगे। जय हिंद, जय एसटीटी।